के बाद बढ़ते हैं आगे। युवा दिवस के अवसर पर बीजेपी ने भी पदयात्रा निकाली। इस दौरान बीजेपी जिला कार्यालय से निकली पदयात्रा में सांसद पीएन सिंह सहित जिला के कार्यकर्ता काफी संख्या में मौजूद रहे। हीरापुर पार्क मार्केट से विवेकानंद चौक तक पदयात्रा पहुंची, वहां पर स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। सांसद पीएन सिंह ने कहा कि आज के दौर में देश के समुचित विकास के लिए युवाओं को स्वामी के कथनों पर अनुसरण करने की जरूरत है। उनसे बात की संवाददाता अरुण बर्नवाल ने। सांसद समेत कई वरीय नेता जिले के यहाँ उपस्थित हैं, जुड़ते हैं उनसे। और किस तरह का आज ये युवा दिवस है, विवेकानंद जी की जयंती, किस तरह वर्तमान समय में इसका कितना महत्व है उनके उपदेशों का, सर क्या लगता है कितना महत्वपूर्ण है आज के समय में युवाओं का ये युवा दिवस के रूप में उनके जो जितने भी कथन है? देखिए, स्वामी विवेकानंद जी युवावस्था में इस देश को दिशा देने का काम किया। विवेकानंद जी के जीवनी से प्रेरणा लेकर आज प्रधानमंत्री के कुर्सी पर नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं और वह देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो बेलूर मठ में जाकर रात्रि विश्राम किए, कफन देखते हैं। स्वामी विवेकानंद जी भगवाधारी थे। आज जब कोई राजनीतिक पार्टी का, कोई सरकार का मुखिया भगवाधारी के खिलाफ भाषण देता हो तो निश्चित रूप से हमें दुख भी होता है, शर्म भी आती है और स्वामी विवेकानंद जी को की आत्मा को दुखी भी करते हैं। विश्व में पहुंचाने का काम स्वामी विवेकानंद जी ने किया था, अब सब दृष्टिकोण से भारत को शिखर पर पहुंचाने का हम काम करें, इसके लिए प्रेरणा लेने का काम। ये थे धनबाद के सांसद, जिनका स्पष्ट रूप से मानना है कि वर्तमान जो समय है उसमें स्वामी विवेकानंद की जितनी कथन है उसका अनुपालन करके ही देश को शिखर तक पहुंचाने में हम सफल हो पाएंगे। न्यूज 11 भारत के लिए धनबाद से सहयोगी अमित के साथ अरुण बर्नवाल।